I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. मुझे भूख लग जाता है रात में, तो आज सोचा बाहर जाके कुछ खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज आई लव आइसक्रीम एज यू गाइस नो ऑलरेडी, तो यही वाला सीन है। तो चलो अभी मैं निकलती हूँ, निकल के फिर बात करती हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग देखते रहो क्या खाती हो क्या नहीं। और मैं जहाँ पर रहती हूँ वो है DLF, जो पूरा रात भरी इतना क्राउडेड रहता है कि दिख के लगता है यार कहाँ है, अब इवनिंग हो रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला है आपको। और अभी हम लोग का पीजी का गेट खुला रहता है वीकेंड्स में, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो चलो मैं फिर निकलती हूँ। ब्राउनी विथ चॉकलेट आइसक्रीम, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है सच्ची में, और मेरे को बहुत सही लगता है यार, बहुत दिन बाद मैंने खाया ब्राउनी विथ चॉकलेट आइसक्रीम। पर इसके साथ मैंने लिया था चिकन मैगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। DLF का जो चिकन मैगी है, फ्राइड चिकन मैगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और फेमस भी है। और ये सेकेंड डे दोपहर को जो मैं खा रही थी, भिंडी का भाजी था यहाँ पर, और एक कड़ी था जो मम्मी ने बनाया था, और दाल था, नॉर्मल राइस, ठीक है, और दही भी था इसके साथ। सो गाइस, मैं सो के उठ गई और मैंने खाना वाना सब कुछ खा लिया है, निकल रही हूँ अपना आईब्रोज करवाने के लिए, क्योंकि मंडे से है मेरा ऑफिस, तो ऑलरेडी बुलावा आ गया मेरा, हाँ जी बुलावा आ गया, तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो हुई मैं। अपनी मम्मी को तो मिस करूँगा ऑफिस टाइम में, क्योंकि इतना मतलब महीने तक हम लोग एक साथ थे, मज़ा आता था घर से, ऑफिस से भी शायद बहुत ही मज़ा आएगा, सारे लोगों से मिलूँगी मैं, तो यही वाला सीन है। तो अभी देखते हैं क्या होता है ऑफिस में क्या नहीं। तो अभी पहले तो मैं अपना आईब्रोज करवाने जा रही हूँ इसीलिए, और मेरा ग्रोथ इतना ज़्यादा है, 15 दिन में नहीं हुआ, फिर से आ गया मेरा आईब्रोज, ठीक है, तो अभी मैं आईब्रोज करवाऊँगी, फिर शाम को कुछ प्लान है तो वहाँ चलते हैं, और आप लोग ये ब्लॉग एंड तक देखना, ठीक है। और हाँ गाइस, मुझे आज सुबह ही पता चला है कि मुझे मंडे से ऑफिस जाना है, और मेरा कैब भी शेड्यूल हो गया है। और हाँ, और एक चीज़ गाइस, मेरी मम्मी ने ना अपना ब्लॉग चैनल ओपन किया है, मैं आपको बताना भूल गई थी, बंगाली ब्लॉग चैनल, मेरे जो बंगाली सब्सक्राइबर है, मेरी मम्मी के चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और जो वीडियोज है वहाँ पर मैं भी रहूँगी। अगर मतलब बंगाली ब्लॉग आप लोगों में से बहुत ही लोग मांग रहे थे मुझसे, तो मेरा खुद का चैनल ओपन किया हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें एडिट करना है, दोनों चैनल मुझसे एडिट नहीं हो पाएगा, मम्मी का एडिट आजकल मैं ही कर दे रही हूँ,
बट उस दिन बाद से मम्मी कुछ सीख लेगी, तो वही वो मम्मी का मतलब उनका ब्लॉग चैनल है वो, वहाँ पर मैं भी कभी कभी ब्लॉग करूँगी मम्मी के साथ, देख लेना आप। और डिस्क्रिप्शन में आपको खुल सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मम्मी के ब्लॉग चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाना भूल गई थी, ब्लॉग चैनल का नाम है बंगालियाना विद शौंपा। एक्चुअली मुझे ऐसा चैनल का नाम ओपन करना था, मम्मी को बोला मुझसे तो ना हो पाएगा, आप ही कर लीजिए, तो मैंने ये नाम सजेस्ट किया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये वाला नाम। ठीक है, बहुत लेट हो गया, मैं फटाफट जाता हूँ आईब्रोज करवाने के लिए। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. अभी हो चुकी हूँ रेडी। तो बेसिकली शाम के टाइम में मैंने चाय पिया था और वो मैंने दिखाना भूल गई। मम्मी ने शूट किया था, मम्मी वाले ब्लॉग में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो शायद मेरे ब्लॉग के पहले मम्मी का ही ब्लॉग आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे हमेशा ऐसे इंसिस्ट करती है, मेरा पहले एडिट कर, मेरा मैं पहले अपलोड करके फिर तू अपलोड करना, ठीक है। तो यही वाला सीन है। और डिस्क्रिप्शन में तो आपको मम्मी वाला ब्लॉग का तो लिंक मिल ही जाएगा। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, पहले मैं जाऊँगी सरस्वती में, वहाँ से मुझे मेरा ना एक नेकलेस काइंड ऑफ खरीदना है जो मैं हमेशा के लिए मतलब पहन सकूँ, क्योंकि मैं जो पहनती थी ना वो ना हो गया, उसका 12 ही बज गया है वो, ठीक है। तो एक बहुत ही सही वाला नेकलेस का शॉप है सरस्वती में, मैं जाऊँगी सरस्वती। तो अभी बज गया है 7:05 बज रहा है, तो कैब मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है, 5 मिनट में कैब आ जाएगा। तो पहले सरस्वती चलते फिर वहाँ से डीमार्ट चलेंगे, क्योंकि मुझे मंडे से ऑफिस जाना है, तो ऑफिस के लिए भी कुछ लेना पड़ेगा। आई मीन टू से कुछ बॉटल वॉटल लेना पड़ेगा मुझे, कुछ पर्सनल चीज़ है जो मैं बैग में कैरी करूँगी इतने, तो वही सब कुछ खरीदूंगी। तो बहुत बातें कर लिया मैंने, कैब आ जाता है फिर मैं निकलती हूँ, ठीक है।
to call you. I don't want to know what you think. I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't want to just forget you, but I want to be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just want to feel mine. Hey, yo. I could become that one for another one. Hey, yo. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one. I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके, ये देखिए, ये देखो गाइस, दिख रहा है ना, ये है इविल आई का नेकलेस। एक्चुअली मैंने ना इंटरनेट पे देखा है, मतलब नज़र नहीं लगता ये पहनने से, और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, तो मेरे को बहुत सही लगा। मैंने जैसे कि बोला है गले में कुछ ना कुछ पहनती ही थी, बट क्या है ना, मतलब वो सब ना उसका बाड़ा बच गया है, तो इसीलिए वो नहीं पहना है। ये न्यू खरीदने के लिए आज ही गई थी, और क्या खरीदा है मैं सब कुछ अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो और हाँ, आज का दिन बहुत ही सही गया, कल संडे है, कल का दिन मज़ा ही आएगा कल भी, और परसों से मेरा ऑफिस है, एकदम ऑफिस है परसों से मेरा। पर लिया है बिस्किट्स पहले, ये है मेरी बिस्किट जो हम लोग एवरीडे खाते हैं, और ये कुकीज मेरी फेवरेट कुकी है, ठीक है, बहुत ही सही वाला कुकी है। और यहाँ पर बर्तन धोने के लिए लिया है, और ये ना हनी है, एक्चुअली ये वाला हनी है, ये ग्रीन टी के साथ जो कभी कभी ले लेते हो यार, सही लगता है मुझे ग्रीन टी के साथ हनी। और ये अचार है, बहुत ही सही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत सही लगता है मैंगो का अचार। और ये के साथ हम लोग को एक फ्री मिला, देखो ये आलमंड का जो हेयर ऑयल है ना, वही है। और एक छोटा सा मैंने सीरम लिया है, छोटू सा लिवॉन का, और ये बॉटल लिया है हम लोगों ने, स्टील का है ये बॉटल, बहुत ही सही है, मेरे को इसका कलर तो बहुत ही सही लगा, बहुत ही सही है। मम्मी बोली स्टील के बॉटल में पानी पीना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है ये सेहत के लिए भी,
तो मैं ऑफिस लेके जाऊंगी मंडे से। तो गाइस आपने देख लिया क्या क्या खरीदा है मैंने। पहला जो दो चीज दिखा ना, ये और जो ब्रेसलेट था, ये दो चीज ना हमने खरीदा है सरस सिटीज से, बाकी सारा डी मार्ट से लिया है। उसके बाद हम खाने के लिए चले गए थे। और हाँ गाइस मैंने एक चीज आपको बताना भूल गई थी, इस वीक मैंने कहीं जाना था हम लोग को, फ्रॉम सैटरडे रात को, नहीं सॉरी सैटरडे सुबह को जाना था, मतलब आज सुबह को जाना था, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, वो प्लान कैंसिल होगा क्योंकि मेरी जिस फ्रेंड के घर में जाना था ना, लोकनाथ बाबा का पूजा था तो उसके लिए जाना था, तो उसकी मम्मी का बहुत तबीयत खराब हो गया। तो आपने दिखाई था लास्ट वीक मैंने शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ खरीदा, मतलब खरीदा क्या बोल रही हूँ मैं, शॉपिंग सब कुछ किया था लास्ट वीक, आपने ऑलरेडी देख ही लिया, शॉपिंग सब कुछ किया था। और एक चीज़ अच्छा किया मैंने, लगेज अभी तक मतलब पैक नहीं किया, तो जो भी है मतलब उसका मम्मी का बहुत ही तबीयत खराब हो गया। उसकी मम्मी जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, तो अभी उसकी मम्मी सही है और उसके घर में अभी पूजा कैंसिल हो गया। तो मैंने बोला कि नो इशू, तो टेक केयर कर अपनी मम्मी का, बाद में आ जाऊंगी मैं, ठीक है। तो इसीलिए वो वाला जो ट्रिप है ना वो कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं पहले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी मैं जाने वाली हूँ उसके घर में, और उसको आप देखे हो मेरे ब्लॉग में, प्रीति है उसका नाम, आप देखे हो मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स में जब वो आई थी हैदराबाद में, तो यही वाला सीन है। तो आई एम रियली सॉरी आपको एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग नहीं दे पाए, बट मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगा कि उसकी मम्मी का तबीयत खराब हो गया, मतलब बहुत ही बुरा लगा ना किसी का मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है। तो मेरी मम्मी का भी हुआ था ना, तो मुझे पता है क्या होता है मम्मी का तबीयत खराब होता है, एक तो टेंशन होता है, ऊपर से इतना बड़ा मतलब अरेंजमेंट किया था उन लोगों ने पूजा का जो कैंसिल हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा उन लोगों के लिए। बट फिर भी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ठीक कर देते सब, तो अभी भगवान की कृपा से उसकी मम्मी सही है। एंड हाँ मैं आई एम सॉरी मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई थी, क्योंकि मैंने पहले व्लॉग में गला फाड़ फाड़ के बोला था कहीं जाने वाली हूँ, सस्पेंस भी रखा था मैंने आप लोगों के लिए, तो आप लोग ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मतलब मेरे फैमिली हो, तो आप लोग के साथ सब कुछ मुझे शेयर करना ही है, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोग के साथ ये भी। तो यही था ये पूरा व्लॉग, ये व्लॉग एक्चुअली पहले दिन से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब फ्राइडे रात से आफ्टर द लॉगआउट से। तो अभी मैं इस ब्लॉग को खत्म कर देती हूँ, अभी 12 बजने वाला है थोड़ी देर में। तो अगर ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो आप लोगों को। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन पर जरूर करना ताकि आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड हो जाओ जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।